अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं आपका अपना सैयद अब्दुर्रहीम शाह, 7 नंबर लेक्चर में हम मौजूद हैं। FBM क्या होता है? व्हाट इज़ फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट? फुलफिलमेंट मर्चेंट क्या होता है? अ मेथड ऑफ सेलिंग वेयर अ सेलर लिस्ट प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़ॉन बट मैनेज स्टोर शिपिंग एंड कस्टमर्स सपोर्ट इन आवर्स और थ्रू अ थर्ड पार्टी एंड हैंडलिंग्स रिटर्न्स ऑन देयर ओन। सेलर अकाउंट जो बना रहा है, इनलिस्ट कर रहा है प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे, FBM में ये होता है, ये प्राइवेट लेबल होता है। मैनेजमेंट स्टोरेज शिपिंग एंड कस्टमाइज सपोर्ट जो भी सारी कुछ है वो आपको करनी होती है थ्रू अ थर्ड पार्टी। चलो आपको हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं FBM अमेज़ॉन पे कैसे देखते हैं। ये हम अमेज़ॉन की वेबसाइट पे आ गए हैं। इधर कुछ भी हम सर्च करेंगे, होम एंड किचन में हम जाते हैं। ये सारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं, इनके ही ऊपर लिखा होता है अमेज़ॉन और FBA और FBM। आप ये देख रहे होंगे कि FBA लिखा हो रहा है, FBM भी लिखा हुआ है, पर इसमें अमेज़ॉन है, इस प्रोडक्ट में हम काम नहीं कर सकते। ये अमेज़ॉन का ही मर्चेंट है, पर वो अमेज़ॉन खुद सेल कर रहा है, जिसमें अमेज़ॉन नहीं बैठा होगा, FBM होगा खाली, तो वो प्राइवेट लेबल होगा और वो सारी सहूलतें खुद मुहैया करेगा कस्टमर को, उसकी स्टोरेज और फुलफिलमेंट जो भी कुछ आता है इसमें, वो शिप वगैरह भी करेगा, हर चीज़ वही करेगा। ये FBA है, ये FBM है। अभी इसमें जो FBM बैठा है इस प्रोडक्ट में, ये सारी सहूलतें खुद देगा। इधर अमेज़ॉन आगे लिखा होता तो ये अमेज़ॉन ही उसको शिपिंग भी देता, स्टोरेज भी देता, हर कस्टमर सर्विस जो भी है वो खुद देता। इन सारी चीज़ों का बताने का एक ही मकसद है कि आपने FBM देख लिए, ये एक प्राइवेट लेबल काम करता है और सारी सहूलतें ये खुद मुहैया करता है। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में हम इसके और भी क्राइटेरिया वगैरह देखेंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।